अभी हम बात करेंगे पॉलीमर चैप्टर में एक टॉपिक आता है को पॉलीमराइजेशन। क्या नाम है? को पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो को पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? ऐसे पॉलीमर जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोमर से मिलकर के बना हुआ हो। ठीक है, अब देखते हैं इस टर्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं। को पॉलीमराइजेशन को इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आर अलाउड टू पॉलीमराइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तरह के मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, और तो हमें एक नया पॉलीमर मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? को पॉलीमर बोलेंगे। और जिस पूरे प्रोसेस, जो भी ओवरऑल प्रोसेस इसके अंदर रहेगा, उसको हम क्या कहने वाले हैं? को पॉलीमराइजेशन। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं और हम बात करेंगे अभी एग्जाम्पल के बारे में। क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो एग्जाम्पल से ही रिलेट करना होता है। ठीक है, तो यहां से हम एग्जाम्पल देते हैं इसका, बुनाइस। तो बुनाइस क्या है फ्रेंड्स? एक तरह से सिंथेटिक रबर है। तो ये बुनाइस कैसे बनता है? तो इट इज द मोनोमर, दिस द मोनोमर व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुनाइस आर वन थ्री ब्यूटाडीन एंड स्टीरीन। क्या क्या है? वन थ्री ब्यूटाडीन एंड स्टीरीन, दो पॉलीमर आपस में जब जुड़ेंगे तो हमें जो भी नया पॉलीमर कंपोनेंट देगा उसका नाम रहेगा बुना एस। तो अभी क्वेश्चन क्रिएट होता है इसको बुना एस या क्यों कहा गया है? तो एस का मतलब ये समझिए कि ये एक तरह से स्टीरीन है। अब स्टीरीन क्या होता है? स्टीरीन के लिए हमने ये केमिकल फॉर्मूला बना दिया है। आप देखें इसका स्ट्रक्चर CH2 बेंजीन रिंग साथ में है। तो बुना BU का मतलब मैंने यहां लिखा ब्यूटाडीन है। ब्यूटाडीन का कौन सा? 1,3 ब्यूटाडीन, 1,3 ब्यूटाडीन। ठीक है, अब ना बीयू का बीयू इंडिकेट 1,3 ब्यूटाडीन, और ना Na क्या है? Na फ्रेंड्स यहां एक सोडियम मेटल है, यहां मैंने मेंशन कर दिया है। Na का मतलब क्या है? इट स्टैंड्स द टर्म सोडियम। एक्चुअली सोडियम मेटल क्या होती है? इस पूरे पॉलीमराइजेशन में यूज होती है एज ए पॉलीमराइजिंग एजेंट। ठीक है, पॉलीमराइजिंग एजेंट के तौर पे ये सोडियम मेटल यूज होती है। ये आप देख पा रहे हो इस रिएक्शन के अंदर सोडियम मेटल लिखा है एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी हीटेड। ओके, बहुत हद तक क्लियर हो गया है। अभी इसको कभी कभी हम बुना एस को हम एस बी आर के नाम से भी जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? एस बी आर। एस का मतलब स्टीरीन, बी का मतलब ब्यूटाडीन, और आर क्या है? इंडिकेट कर रहा है रबर के, रबर। तो स्टीरीन ब्यूटाडीन रबर, एस बी आर इज आल्सो अनदर नेम ऑफ बुना एस। ठीक है, तो अभी 1,3 ब्यूटाडीन केमिकल फॉर्मूला आता होगा आपको, 1,2,3,4 वन पोजीशन और थ्री पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है, इसलिए इसको ब्यूट लगा दिया है ना। तो ये आपको आता होगा स्टीरीन का फार्मूला कॉमन नेम है, आपने याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ है ना, तो वो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मैं हल्का सा थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, इससे मिलकर बना हुआ होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका यहाँ चला गया, और इसका यहाँ और इसका यहाँ नेक्स्ट कार्बन में पहुंच गया। तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये सोचिए कि यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये इसके पास चला गया है। तो अब क्या हुआ ये देखिएगा, तो ये देखिए हम इसको बनाने को, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, तो अब क्या बना हुआ होगा? सी एच, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सी एच। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वो इस कार्बन का है, तो कार्बन का है तो मैंने यहाँ लिख दिया, बिकॉज यहाँ हमें बॉन्डिंग दिखानी है। और इस कार्बन का इसके पास आ गया। अब यहाँ क्या बच गया? दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ही कार्बन के पास चले गए हैं। तो अब इसके पास जो जहाँ डबल बॉन्ड था वो सिंगल में बदल गया है, तो ये आपके पास पहुंच गया। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ? डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, बाकी को आगे लेयर में जो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट वाली जो
CH आफ्टर दैट डबल बॉन्ड लगा दिया हमने CH फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। अब ये और ये तो यहां से क्या हुआ ब्रिजिंग हुई तभी तो यूनिट बना ना। तो यहां से CH अब क्या हुआ इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन थे इसका इलेक्ट्रॉन इसका आटम का इसका आटम का आपस में फिर से कोवलेंट बॉन्ड बना करके यहां ज्वाइंट हो गया ठीक है। तो यहां और इसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो कहां चला गया शिफ्ट होकर के नेक्स्ट वाली लेयर में चला गया। तो इस तरह हमें क्या मिल गया एक नया पॉलीमर मिल गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं रिकरिंग स्टाइरीन को पॉलीमर भी इसको कह सकते हैं। ओके आफ्टर देन हम पहुंच चुके हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। तो एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि ये ना एक तरह से देखो टायर्स में ऑटोमोबाइल टायर्स में यूज होता है फ्लोर टायर्स में भी यूज होता है केबल इंसुलेशन में है ना वायर्स वगैरह में इंसुलेट करने के लिए हमें यहाँ इस पॉलीमर का यूज करते हैं फुटवेयर कंपोनेंट में भी ये यूज होता है। तो काफी इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आप इनको देखें और नोट कर लें। ओके